हेलो फ्रेंड, तो ये देख सकते हैं हमारे पास 608 का फलू डिलाइट रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। और कस्टमर का कहना है कि ये अचानक से बंद हो गया है और यहाँ पर एक देखिए जोड़ भी लगा हुआ है जो बहुत ख़तरनाक है। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ते हैं और इसको चेक कर रहे हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल नहीं जला है, ये डेड है, देख सकते हैं ये बिल्कुल डेड है। तो हमने यहाँ से इसका पावर लीड यहाँ से निकाल लिया है और इसको देखते हैं ये जो जोड़ है यहाँ पर, तो देख सकते हैं ये तो यहाँ से ये जो जला जला सा दिख रहा है हमको इसका जो वायर है यहाँ पर। तो अभी दूसरा वायर चेक किया तो ये भी देख लीजिए यहाँ से निकल चुका है, मतलब इसका वायर यहाँ से गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको खोलने के बाद ये जो वायर है इसको अंदर से हम जोड़ेंगे ताकि ये खींचने पर ये टूटे ना, क्योंकि इसका जो वायर है ये ख़राब हो चुका है। तो हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं, पेचकस की मदद से हम इसको खोल लें यहाँ से। तो बारी बारी से इसका जो लॉक है हम इसको यहाँ से हटा ले लेते हैं ताकि इसका जो आगे वाला इसका ढक्कन ये निकल जाए। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका जो ढक्कन ऊपर आ रहा है यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके पीछे एक देखिए चोक लगा हुआ है जो 60 वाट का चोक है यहाँ पर। तो जो चोक इनपुट वायर जो है यहाँ पर ये इसका यहाँ से ख़राब हो चुका है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको काट देंगे ताकि बाकी इसका जो पीछे वाला हिस्सा जो है जो इसका वायर इसका ठीक है। तो हम इसको यहाँ से छील कर यहाँ से जोड़ेंगे इसको हम। तो देखिए ये वायर अभी भी बिल्कुल ठीक है यहाँ से। आगे और जो वायर था इसका तो माटी की तरह इसका गगल गया था, इसलिए इसको हमने वहाँ से उतना काट कर हटा दिया है। अब ये जो जोड़ है यहाँ से इसको हम अंदर से जो जोड़ेंगे इसको यहाँ से, तो जोड़ने से पहले इसको हम छील लेते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ से इसको हम अंदर करते हैं। अंदर करने के बाद अब इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पर चोक में। दोनों वायरों को अच्छे से जोड़ेंगे, उसके बाद इस पर हम टेप कर देंगे ताकि ये एक दूसरे से सटे नहीं। और ये जो इसका बॉडी है अल्मोनियम बॉडी है, जो सटेगा तो बॉडी पर करंट आ सकता है, इसलिए हम इस पर टेप को करेंगे अच्छे से और इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। उसके बाद देखिए टेप भी हम कर दे रहे हैं। टेप करने के बाद इसको अच्छे से हम बॉडी से थोड़ा सा दूर कर देंगे जो इसका जोड़ है, और उससे पहले इस पर हम एक गांठ दे देंगे ताकि ये बाहर से वायर खींचने पर इसका जोड़ पर से वायर छूटे ना। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर एक गार्ड को दे दिए अच्छे से। अभी यही इसको हम बाहर से कितना भी खींचेंगे और इसका वायर नहीं तो टूटेगा। और उससे पहले इसको पैक करने से पहले इसको हम 220 वोल्ट देकर यहाँ से चेक करते हैं कि यह ठीक है या आगे कुछ और भी गड़बड़ है। तो देखिए हम इसको सीरीज पर चेक कर रहे हैं अभी। तो फ्रेंड देखिए यह यहाँ से जल गया, मतलब इसका वायर यहीं से खराब था, जो इसका जोड़ था वहीं से इसका डिस्टर्ब था, तो हमने यहाँ पर काट दिया था। अब देखिए बिल्कुल ही जल रहा है यहाँ पर। तो अब इसको पैक करते हैं, ऊपर वाला ये जो इसका ढक्कन को अच्छे से बैठाएंगे हम। ये लॉक पर सिर्फ है, चारों तरफ से इसका लॉक है। इसको इस पर रख के बस इसको हल्का हल्का इसको हम दबा देंगे, ये अच्छे से बैठ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू पे इसको भी टाइट कर लेंगे हम। स्क्रू को हम अच्छे से टाइट करेंगे दोनों स्क्रू को, इसको स्क्रू टाइट करने के बाद इसको अब हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये इसका देखिए वायर यहाँ पर है, तो इसको हम देते हैं सिसरिज पर और देखते हैं ये जलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये जल गया यहाँ पर, देखिए ये फर्स्ट क्लास जो जल रहा है, जो अभी कैमरे में ये सही सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लाइट बिल्कुल सही जल रही है फ्रेंड। तो हमने इसको रिपेयर कर दिया है, इसका जो वायर का खराब